चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं जीएफएल लिमिटेड को। तो जीएफएल लिमिटेड जो है इसकी करंट प्राइस चल रही है अभी 108.95 रुपीज की, और बुक वैल्यू है वो है 237 रुपीज की। तो गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड जो है वो अपना मल्टीप्लेक्सेस को मैनेज करने के और सिनेमा थिएटर्स को मैनेज करने के बिजनेस में है, ठीक है। अब अगर अपन देखें इनका मैक्स चार्ट, तो अगर अपन इनका मैक्स चार्ट देखें तो अपने को समझ में आएगा काफी हाईज एंड लोज देखे हैं इस कंपनी ने। तो इनका जो ओवरऑल ऑल टाइम हाई है वो है 159.86 का, और उसके बाद फिर अच्छी खासी अपसाइड रैली लेना शुरू किया है जुलाई 14 जुलाई 2023 से, ठीक है। तो अगर अपन इधर प्रोज एंड कॉन्स में पहले बुरी खबरें देख लें, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है इनका, सेल्स ग्रोथ -8.82% की लास्ट 5 ईयर से है, पुअर सेल्स ग्रोथ है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है -1.63% का लास्ट 3 ईयर से, और अर्निंग में 2,417 करोड़, अदर इनकम भी इंक्लूडेड है। उसके बाद में अच्छी चीजें देखें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, और स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो चल रहा है 0.46 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू, 0.46 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू। खैर इसमें पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हुआ इनको। चलिए अब अपन इसमें देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के साइड में देखें तो ज्यादातर आपको यहाँ क्वार्टर नेगेटिव दिखेंगे, लेकिन एक बीच में क्वार्टर मार्च 2023 में 2,258 करोड़ का अच्छा खासा अपने को बीच में प्रॉफिट दिखा है। उसके पहले जो है इनका इस तरह का कोई, और अगर अपन देखें तो वो भी जो प्रॉफिट हुआ था वो अदर इनकम से हुआ था इनका मार्च 2023 में। तो अगर अपन अदर इनकम का टैब ओपन करें तो अपने को एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर इनको इस तरह का प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अब इस साइड देख लेते हैं, इधर का भी जो नेट प्रॉफिट है वो भी ज्यादातर में, हालांकि ईयर बाय ईयर बेसिस पे लोग प्रॉफिटेबल रहे, पिछले 3 साल से मतलब 2020, 2021 और 2022 उस समय इनको नेगेटिव ही देखने मिला, फिर 2023 में वापस इनको पॉजिटिव, जो अपने अपन ने देखा एक्सेप्शनल साइड से जो इनको इनकम हुई थी एक्सेप्शनल आइटम्स में, उसके बाद में फिर यहाँ पे अपने को 2,235 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं, चलिए कैश फ्लो साइड पे अगर अपन बात करें तो कैश फ्लो पे नेट कैश फ्लो अभी इनका नेगेटिव चल रहा है -23 करोड़ का, उसके पहले पॉजिटिव था 15 करोड़ का। तो अब अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो 68.72% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, एफआईआई की 1.81% की है, डीआईआई की 2.05% की, गवर्नमेंट की 0% की होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक होल्डिंग जो है वो है 27.40% की, ठीक। अब अगर अपन चलें इनके चार्ट पे ओवरऑल, तो अपने को समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो जैसा आपको बताया कि यहाँ से रैली होनी शुरू हो गई थी जुलाई अगस्त के टाइम पर, जुलाई अगस्त के टाइम पे एक रैली हुई थी इनके अपसाइड, और अच्छी खासी ब्रेकआउट्स देते हुए अच्छी खासी रैली किया है। अगर अभी यहाँ व्यू बनाएं तो 110 के ऊपर ही हम कोई व्यू बना रहे हैं, और उसको अगर अपन वीकली चार्ट पर देखें तो उसका अपने को रीजन भी समझ में आ जाएगा। अगर ये 110 के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड मोमेंटम अपने को यहाँ खुला मिलेगा, थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम अपने को और मिल सकता है, फिर एक एंट्री और बनती है जो थोड़ा सा और बढ़िया अपसाइड पर अपने को मिलेगी, वो रहेगी 112 पे, 112 पे एक एंट्री और बनती है। तो उन दोनों एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही कोई अच्छा अपसाइड मोमेंटम, लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स ने तय किया है कि इसको अपसाइड ले जाना है तो हो सकता है कि एक अच्छी अपसाइड रैली अपने को देखने मिले। बाकी अगर अपन ओवरऑल बात करें तो इसने ऑलरेडी अपना एक अच्छा खासा बाउंस दिखा दिया है, अपना जो एक अच्छा लेवल हुआ करता था इनका, जिस लेवल से अक्सर बाउंस होता था, तो उस लेवल से इसने इस बार भी अपना बाउंस लेवल दिखा दिया है। तो खैर देखते हैं 110 112 के ऊपर ही कोई एंट्री लेना सही होगा, और बहुत छोटी क्वांटिटी में एंट्री करना सही है क्योंकि, और हाँ एक और चीज, अगर मान लीजिए जैसे जिस दिन मार्केट ओवरऑल डाउन हो उस दिन अपसाइड का बनाने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि कल एक्चुअली में हुआ था, किन्हीं ने पूछा था कि कई बार अपने व्यू सही होने के बाद भी सस्टेन क्यों नहीं कर पाता, एक्चुअली में सेक्टोरियल या तो डाउन रहता है या फिर पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन रहता है, तो उसकी स्टडी अपने को करना है। जैसे आज भी जो बैंकिंग सेक्टर था वो डाउन था, ठीक है, 0.70% से, तो अगर बैंकिंग स्टॉक्स पावरफुल गिने चुने होंगे और कई सस्टेन भी नहीं कर पाते इसी वजह से, तो जिस दिन ओवरऑल स्ट्रांग हो मार्केट उस दिन एंटर करना सही है, एटलीस्ट सेक्टोरियल स्ट्रेंथ देख लेनी चाहिए। इस पर्टिकुलर मामले में फिर से एक बार 110 के ऊपर एक एंट्री है, अगर और सेफ एंट्री करनी है तो 112 के ऊपर है, और छोटी क्वांटिटी में एंटर करेंगे, अपना पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।